ऑफ साइड का आक्रमण बरकरार, स्पिनर ने पकड़ी है गेंद। एक बेहतरीन गेंद पर उससे भी बेहतरीन डिफेंस और अंत में एक आसान से कैच के साथ आउट। अब इसे अंत तक रहकर इस पारी को संभालना होगा ताकि एक अच्छा टोटल खड़ा कर सके। दनदनाती हुई गेंद बाउंड्री में, बल्लेबाज को टिककर खेलने के लिए मौका ही नहीं देना चाहते। गेंदबाज विकेट के ऑन साइड पर क्लिक किया, इस बार कुछ और रनों के लिए। बल्लेबाज को एक एक रन के लिए अच्छी खासी लड़ाई करनी पड़ रही है। प्रदर्शन फील्डर्स द्वारा, गेंद फील्डर के हाथों में और सीधा वापस फेंका। बहुत अच्छी गेंद गेंदबाज की, लेकिन अंत में बैट्समैन ने शानदार तरीके से उसे डिफेंड किया। भैया आप क्या होत पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, आसान कैच दे दिया आपने फील्डर को। इनको अपनी टीम के लिए टिक कर गेम। इस जोड़ी के बीच अच्छा तालमेल, लाजवाब रनिंग। स्पिनर गेंदबाजी करने आए हैं, लगातार ऑफसाइड से हमला किया जा रहा है। गेंद को खेलने पर मजबूर कर दिया, सूझबूझ से की हुई गेंदबाजी। फील्डर ने सही अनुमान के साथ कैच को पकड़ा। फील्डर ने बॉल को बहुत जल्दी देख लिया। इन्हें तेजी से भागना पड़ेगा सुरक्षित रहने के लिए। इसे पता है कि एक एक रोका हुआ रन मायने रखता है। मजबूत बाजुओं ने खूबसूरत शॉट फेंका। गेंदबाज कुछ नया करने का प्रयास करना चाहते हैं। अंपायर ने चेंज ऑफ साइड्स का इशारा किया। बिल्कुल सीधा स्लॉट में गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने बहुत अच्छे डिफेंस के साथ उसे खेला और ये कैच आउटफील्ड में सही अनुमान के साथ। और गेंदबाज को मिली आज की 5वीं विकेट। जबरदस्त प्रदर्शन। एक बहुत खास इनिंग की जरूरत पड़ेगी टीम का बेड़ा पार करने के लिए। गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं मीडियम पेसर। इस बार डाउन द पिच से खेल दिया है। एक खासा ब्लॉक किया इस मुश्किल गेंद पर। गेंदबाज का क्रीज तक का खराब रहना, अतिरिक्त रन बैटिंग टीम को। अच्छी बैटिंग, जाने दिया बल्लेबाज ने। अच्छी गेंदबाजी, डिफेंस खेलने पर मजबूर कर ही दिया। नो, बहुत अच्छी फील्डिंग, बैट्समैन को आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया। सीधे फील्डर की तरफ मारा जो कि ऑफसाइड पर था। फील्डर ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंद फेंकी। अच्छा प्रयास, जाने दिया गेंद को इस बार। जब अहंकार इस संसार में शीश उठाएगा। स्पिन का समय, आक्रमण के लिए आ रहे ऑफ स्पिनर। बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा, फील्डर की बहुत अच्छी थ्रो सीधा स्टंप्स के ऊपर। ये बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स। ऑन साइड पर क्लिक किया, इस बार कुछ और रनों के लिए। डाइव लगाई लेकिन काम ना आई और गेंद गई बाउंड्री के पार चार रन के लिए। सीधा लंबा खेला है डाउन द ग्राउंड, चार रन के लिए गेंद जा रही है।
उम्मीद नहीं थी कि कैच हो जाएंगे। स्ट्राइकर जा रहे हैं पवेलियन का रास्ता नापते हुए। दूसरे छोर पर जमे हुए बल्लेबाज, उनको नए बल्लेबाज से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है। गेंदबाजों को काफी संघर्ष करना पड़ा पहली पारी की बैटिंग पर। फील्डर्स का पूरी तरह से वर्क, दोनों बल्लेबाजों ने क्या फुर्ती से दौड़ लगाई। बहुत अच्छा प्रयास फील्डर द्वारा, बढ़िया थ्रो। टीम का खाता खुला एक रन के साथ। बल्लेबाज ने आगे बढ़कर डिफेंस किया। ऑफसाइड कवर की तरफ बेहतरीन स्ट्रोक, लेकिन फील्डर्स ने रोका। क्या फुर्ती दिखाई है, शानदार तरीके से रोका। वापस क्रीज की ओर डाइव लगाई है, क्या ये आउट है? आसान निर्णय अंपायर द्वारा, नॉट आउट का इशारा दिया। ओवर को समाप्त किया चौके के साथ। बाहरी किनारा और गेंद चली बाउंड्री की ओर। फील्डर ने गेंद का बहुत अच्छा अनुमान लगाया। गेंद फील्डर के हाथों में और सीधा वापस फेंका। वापस छलांग लगाई है, लेकिन क्या ये समय पर थे? जोरदार अपील बॉलिंग टीम द्वारा, मगर अंपायर ने बल्लेबाज के पक्ष में दिया निर्णय। दो रन, सूझबूझ वाली क्रिकेट खेलते हुए। एक बेहतरीन गेंद पर उससे भी बेहतरीन डिफेंस। और ये बल्ले के बीचों बीच में से शॉट लगाया। नजदीकी फील्डर्स पूरी तरह चौकस। गेंद गई चार रन के लिए। लगता है बल्लेबाज ना खुश इस निर्णय से। डीआरएस रिव्यू इस गेंद के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। ये गिरी पारी की पहली विकेट। नया बल्लेबाज आता हुआ, लगता है अपनी टीम की उम्मीदों पर खरा उतरेगा। गेंद को खेलने पर मजबूर कर दिया, सूझबूझ से की हुई गेंदबाजी। क्या जबरदस्त फाड़ू डिलीवरी, उड़ा के रख दिया बेल्स को। इसको बेसिक क्रिकेट खेलना चाहिए, बस अपना नेचुरल गेम खेले। नए बल्लेबाज आते हुए, इनको टीम प्लान के मुताबिक खेलकर पारी को संभालना होगा। ऑन साइड पर क्लिक किया इस बार कुछ और रनों के लिए। गेंदबाज ने बल्लेबाज को बांध कर रखा। फील्डर ने बॉलर की तरफ देखा और उसकी तरफ गेंद फेंकी। ओ, ये बहुत करीब था, हैट्रिक चांस खो बैठे। कभी हाथापाई हो तो ये उसमें भी अच्छा करेंगे। लगा दिया है हुक शॉट। जब अहंकार इस संसार में शीश उठाएगा।
इससे ज्यादा आलिशान नहीं हो सकता। क्या ये तीन बाउंड्रीज एक साथ लगा पाएंगे? एक और चौका। गेंदबाज ने अपने सारे हथियार आजमा लिए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। लगता है अब इसे रोकना असंभव। एक और चौका। गेंदबाज ने अपने सारे हथियार आजमा लिए हैं लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। चार रन के साथ ही ओवर समाप्त हुआ। गुलेल की भांति बॉल फेंकी सीधा क्रीज पर। अच्छा थ्रो। बिजली की तरह दौड़े और बाउंड्री से थोड़ा पहले रोका। लेग साइड रीजन की तरफ स्क्वायर खेला मगर बहुत सुंदर गेंद स्विंग करती हुई आई। मैदान पर बल्लेबाजी टीम को मिला एक मजबूत विपक्ष। अच्छा बदलाव यहां पर मजबूर किया बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी डिफेंस खेलने पर मजबूर कर ही दिया। ओवर की अंतिम गेंद पर चार रन। इस पारी की बेहतरीन बैटिंग 50 रन की साझेदारी पूरी। एक पल से भी कम समय में अपने आप को बॉल के जबरदस्त फील्डिंग और साथ ही एक परफेक्ट थ्रो सीधा स्टंप्स के पास। इस गेंद को कोई नहीं रोक सकता। लेग साइड रीजन की तरफ स्क्वायर खेला मगर कोई रन नहीं। लगता है अब इसे रोकना असंभव। दो की बनती है जोड़ी और तीन की हैट्रिक। क्या ये कर पाएंगे? क्या गोली की तरह शॉट लगाया है। लंबा ऊंचा न जाने कहां गेंद गिरेगी। इस गेंद पर स्वीप किया नजाकत से। इस बार गेंद के नीचे आए और लॉफ्ट कर दिया 6 रन के लिए ओवर की अंतिम गेंद पर। अविश्वसनीय फील्डिंग। दर्शक भी हैरान। सीधे फील्डर की तरफ मारा जो कि ऑफसाइड पर था लेकिन बॉल की गति को कम किया। शानदार डाइव। गुलेल की भांति बॉल फेंकी सीधा क्रीज पर। अच्छा थ्रो। ये बॉल के साथ साथ भागे और फील्डिंग का शानदार प्रदर्शन। इसको अपना बेसिक गेम खेलना चाहिए और अपनी विकेट नहीं गंवानी चाहिए। फील्डिंग
बैटिंग साइड की ओर से थोड़ी आक्रामक शैली का प्रदर्शन। बढ़िया कदमों का इस्तेमाल, यहां चार रन देकर जाएगी। चौका होगा, फील्डर ने लगाई चीटे जैसी। अच्छी फील्डिंग का मौका, तेज सीधी थ्रो, अतिरिक्त रन बचाए फील्डर ने। लगता है विकेट बचाने के लिए डाइव मारना ही पड़ेगा। जोरदार अपील, अंपायर प्रभावित नहीं, कोई विकेट नहीं। दो रन, सूझबूझ वाली क्रिकेट खेलते हुए मजेदार रहा देखना इनका अर्धशतक। धुआंधार शॉट का, बिल्कुल सीधा स्लॉट में गेंद, लेकिन बल्लेबाज ने बहुत अच्छे डिफेंस के साथ उसे खेला। बल्लेबाज ने सुरक्षित खेलना ही बेहतर समझा। कोई रन नहीं, बल्लेबाज की गलती, फील्डर की खुशी। चलिए वापस, नया बल्लेबाज, अब समय है स्कोरिंग की गति को बढ़ाने का। ओ, बाल बाल बचे। अभी तक अच्छा खेला, आशा करते हैं दोनों टीम चाय के सत्र के बाद ऐसे ही खेलेंगे।